हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैन लर्निंग पॉइंट में। इस वीडियो में हम एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक परीक्षा का मॉडल पेपर 3 लेकर आए हैं। इसके पहले हम 2 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, इनसे आपको परीक्षा में बहुत ही सहायता मिलेगी। चलिए हम शुरू करते हैं मॉडल पेपर 3 सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड। ये परीक्षा सभी को करनी है, चाहे वो साइंस साइड से हो या आर्ट साइड से। तो ये 30 क्वेश्चन इसमें आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी कार्बन, सी 14। फिर से देखिए, पुरातत्वीय खोजों का काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन, सी 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का शास्त्रीय रूप है? ऑप्शन है बांग्ला, कलवेलिया, ओडिसी, पांडवानी। तो जो ओडिसी है ये नृत्य का शास्त्रीय रूप है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक लाइकेन है, एक जो लाइकेन होता है वो एक सहजीवी होता है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चालू उपभोग के स्तर में वृद्धि के कारण एक कौन सा भावी परिणाम होने वाला है? तो ऑप्शन सी देखिए, भविष्य में अधिक आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें फॉस्फोरस होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वर्षा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? ये कहा था आचार्य विनोबा भावे ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य के मोहिनीअट्टम का स्वरूप विकास कहाँ हुआ? जो मोहिनीअट्टम है इसका विकास हुआ था केरल में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है, जो मसाला लौंग प्राप्त होता है वो पुष्पकली से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कृषि आयकर के राजस्व का स्रोत है राज्य सरकार, ऑप्शन बी। जो कृषि आय का कर राजस्व सरकार के राजस्व का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवलयी दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, परवलयिक दर्पण होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइटों में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टेहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? जो टेहरी बांध है ऑप्शन डी भागीरथी नदी पर है, टेहरी बांध कहाँ है, भागीरथी नदी पर। उत्पादन फलन का अभिप्राय है, क्वेश्चन 13 है, उत्पादन फलन का अभिप्राय है। तो उत्पादन फलन का अभिप्राय क्या है, भौतिक आघात तथा भौतिक निर्गत के बीच संबंध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है? पिता के, ऑप्शन ए। तो शिशु लिंग गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है किसके, पिता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना
स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो नीति आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, शहद लेपन गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? ये होता है यसद लेपन, यसद लेपन होता है लोहे पर जस्ता चढ़ाना, तो यसद लेपन क्या होता है? लोहे पर जस्ता चढ़ाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? जो संपत्ति का कर है इसको मोरारजी देसाई के सरकार की शासनकाल में हटाया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? जो विश्व में सबसे सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है वो है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण है? बार बार बाढ़ आने का कारण देखिए क्या है, ऑप्शन ए मृदा अपरदन, ऑप्शन बी वनोन्मूलन, ऑप्शन सी नदी तल का गादान, उपरोक्त सभी, ये सभी ऑप्शन सही हैं, अतः ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है 21, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत होगी? इसका आंसर होगा 80%, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 8 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसे 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उस काम को करेगा, तो जब बी अकेला उस काम को करेगा तो वो 48 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.022 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 66 हो जाए? तो ऑप्शन होगा ए, 3000 से गुणा करने पर ये 66 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी के प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी है 1/1×4 प्लस 1/1×7 प्लस 1/7×10 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट, तो इसका आंसर होगा 5/16। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के बाद ₹4,500 तथा 4 वर्ष के बाद ₹6,750 हो जाती है, वह धनराशि है ₹3,000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बोली के रचनाकार को 2017 का साहित्य अकादमी भाषा सम्मान दिया गया? तो दिया गया था मगही भाषा को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए आबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 16 फरवरी 2008 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 42,84,5,2 करोड़ का बजट पेश किया, यह विगत वर्ष के बजट से कितने प्रतिशत अधिक है? यानी कि जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं राजेश अग्रवाल, उन्होंने 16 फरवरी 2018 को विधानसभा में वित्त वर्ष में 2018-19 के लिए जो बजट पेश किया था 4,28,384.52 करोड़ का, वो बजट पहले वाले बजट से कितने प्रतिशत अधिक है? वो है 11.4% अधिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे छोटे रॉकेट का प्रक्षेपण
3 फरवरी 2018 को किस देश ने किया, किस देश के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए जापान। तो जापान ने विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का परीक्षण 3 फरवरी 2018 को किया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हों और आप इसी तरीके के मॉडल पेपर और चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, तो हम आपको और भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।